हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का हिंदी का मॉडल पेपर। ये हमारा मॉडल पेपर 4 है। अगर आप पहला दूसरा तीसरा नहीं देखें तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, आचार्य हजारीपद द्विवेदी श्रेष्ठ शास्त्र लेखक है। तार सप्ताह का संपादन सच्चिदानंद हिरण्यवासिन अज्ञे ने किया है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पहला, तार सप्ताह का संपादन सच्चिदानंद हिरण्यवासिन अज्ञे ने किया है। कहेंगे दोस्तों अज्ञे लिखा रहता है सिर्फ, और इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरण्यवासिन अज्ञे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कृति में से किसी एक के लेखक का नाम। तो पहला दिया हुआ है हमारा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के हमारे जयशंकर प्रसाद, गोदान के हमारे मुंशी प्रेमचंद, बाढ़भट्ट की आत्मकथा हमारे हजारीपद द्विवेदी जी हैं, जो उपन्यास विधा है ये, मेला हरिशनाथ रेणु। मेरी तिब्बत यात्रा की रचनाकार तो राहुल संकृत्यान है इसके। क्या दोस्तों? राहुल संकृत्यान। फिर दीपदान एकांकी के लेखक, तो दीपदान एकांकी के लेखक हैं दोस्तों हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो एकांकीकार हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अथाह सागर के रचनाकार, तो अथाह सागर दोस्तों हमारे हैं जयप्रकाश भारती। ठीक है, अथाह सागर के रचनाकार जयप्रकाश भारती। फिर है रीत काल की दो विशेषताओं का उल्लेख तो आप लिख दीजिए, रीत ग्रंथों का निर्माण। पहला हमारा होगा रीत ग्रंथों का निर्माण और श्रृंगार रस की प्रमुखता। ये तो हमारी दो हो गई, लेकिन मैं दो और बता देता हूँ, प्राकृतिक का उद्दीपन रूप में चित्रण और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, पहला आप लिखिए रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रमुखता, ये तो दो हो गई, और दो एक्स्ट्रा मैंने बता दिया हूँ, प्राकृतिक का उद्दीपन रूप में चित्रण और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, फिर है छायावाद के दो कवियों के नाम, तो छायावाद के दो कवियों के नाम लिख दीजिए, जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना कर पूछेगा तो स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त कामायनी, और दूसरा लिख दीजिए महादेवी वर्मा यामा, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, फिर है कुरुक्षेत्र के कवि का नाम। दोस्तों जो रीतकाल की दो विशेषता, इसमें आपको दो नंबर मिलेगा, अगर आप एक लिखेंगे तो एक नंबर, दो लिखेंगे दो नंबर। छायावाद तो कवियों का नाम, अगर एक कवि का नाम लिखेंगे तो एक नंबर, दोनों कवियों का नाम लिखेंगे दो नंबर मिलेगा। फिर कुरुक्षेत्र के कवि का नाम तो रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर। फिर आ जाइए गद्यांश में, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमारा दो गद्यांश दिया हुआ है अथवा करके, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो दो नंबर का होगा। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक ने गद्यांश में क्या क्या संदेश देना चाहा है, हमें अमृत की याद दिलाकर किसने मृत प्राय शरीर में प्राण फूके हैं, ये रहा आपका। पहले तो आप लिख दीजिए संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है, फिर क्या संदेश देना चाहे उसको लिखना है, फिर मेरे पास शरीर में प्राण फूके उसको करना है। ठीक है, जो हमारा कितना नंबर का होगा दोस्तों? 6 नंबर का होगा। 2 2 2 2 2 4 6। ठीक है, फिर हमारा अथो करके दिया है, मित्र केवल उसे नहीं कहते। और ये दोस्तों ये जो लिया गया है ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो हम जाकर कर लीजिएगा इसे, मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप कहेगा मैं कमेंट करना, मैं इसका अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, फिर मित्र केवल उसे नहीं कहते दोस्तों, यहाँ आ गया है मित्र, तो आप समझ जाए कि मित्र से लिया गया है। ठीक है, मित्रता नामक चैप्टर से ना, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों को तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। मित्र केवल सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जिस पर पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। ठीक है, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हान लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, इसी प्रकार प्रकृति के आचरण की समानता भी आवश्यक या अवांछनीय है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। इसके दोस्तों गद्यांश का संदर्भ लिखना पड़ेगा, फिर इसकी व्याख्या, फिर हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, ये भी 6 नंबर का होगा। फिर आ जाइए पद्यांश में, निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक के शासन में हिंदी में व्याख्या करना पड़ेगा, जो आपको 6 नंबर मिलेगा। उद्धव मोहि ब्रिज विसरत नाही, ये हमारे पद्यांश से लिया गया है।
वहाँ जाकर कर लीजिएगा इसे अच्छे तरीके से। आप बता देंगे, कमेंट करना प्यारा सा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर चा नहीं मैं सुरबाला, ये दोस्तों अथवा करके दिया, अगर आप इसे नहीं कर सकते ऊपर वाला तो आप इसे कर दीजिए, अगर इसे नहीं कर सकते तो आप इसे कर दीजिए, ये भी 6 नंबर का होगा। फिर आ जाइए किसी एक लेखक जीवन परिचय, अब गद्यांश का किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। 3 दिए हमारा आचार्य रंजन शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं रचना का नाम बता सकता हूँ, अगर इसका कहेंगे जीवन परिचय तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आचार्य रंजन शुक्ल, चिंतामणि, जयशंकर प्रसाद, कमानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति। 3 नंबर का होगा एक जीवन परिचय, एक का रचना होगा और 2 का आप जो जीवन परिचय उसके लिखेंगे। फिर पद्यास में आ जाए तो तुलसीदास, रामदास त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, बिहारी लाल। 4 दोस्तों कवि का नाम दिया, उससे एक कवि का नाम लिखना है और उसका एक रचना, जो भी रचना हो उनका लिख दीजिए। फिर हिंदी सेकंड में आ जाइए, संस्था में हिंदी में बात कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाशास्त्र केंद्र संस्था, यह हमारे अनिवार्य संस्कृत चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। फिर अथवा करके हमारा दिया है सर्वे भवन सुखना, सर्वे संदा, सर्वे भदार पसंद, महाकाष्टिक दुख भाग भवेद। मैंने इसका दोस्तों व्याख्या मैंने पहले चैप्टर में कर दिया है, पहले या दूसरे मॉडल में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पहले दोस्तों आप पहला दूसरा तीसरा आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर इसको देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और आपका हल भी हो जाएगा। आप अगर 5 मॉडल पेपर हैं, 5 मॉडल पेपर हल कर लेते तो मैं 99% कहता हूँ कि आपका हिंदी में अच्छा नंबर आएगा, यानी 90+ आएगा, ठीक है। अपनी का पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस पत्र में ना आया हो। दोस्तों जो पत्र जो ये आया है ये नहीं लिखना है, आपको 2 एक्स्ट्रा याद करना है, ठीक है। अगर एक आ गया तो आप एक लिख सकते हैं। फिर है निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। आपको इतना 4 क्वेश्चन दिया, आपको 2 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और जो 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा का उदाहरण दीजिए, तो मैंने इसका करा दिया है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। मॉडल पेपर में मैंने करा दिया है, पहले मॉडल पेपर में। निम्नलिखित उपसर्ग में किन 3 के मेल से शब्द नहीं है, तो परा, परास हो जाएगा मेरा दोस्तों पराजय, अनुस हो जाएगा मेरा दोस्तों अनुसरण, अभिस हो जाएगा दोस्तों अभिमान, उपस हो जाएगा मेरा अपवाद, परिस हो जाएगा मेरा दोस्तों परिमाण, आपसे हो जाएगा दोस्तों आपसे हो जाएगा दोस्तों मेरा अपमान। निम्नलिखित से किन 2 प्रत्ययों का प्रयोग किए अन्य तो प्रदर्शनीय, तो से कवित्व, तो से महानता, पंथ अपनापन, वर्ष से बनावट, अर्थ से चढ़ाव, गड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किन दोस्तों का समास बिगड़ा हुआ समास का नाम माता और पिता, तो माता और पिता तो क्या होगा दोस्तों, ये द्वंद्व समास जिनमें दोनों पद प्रधान है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, दिगो समास, हानि और लाभ, तो ये द्वंद्व समास यानी हान और लाभ, जिसमें यू जो चिन्ह लगा हुआ वो द्वंद्व समास। त्रिवेणी, 3 वीडियो का समूह, तो ये क्या होगा दोस्तों, त्रि माने 3 होता है, तो ये दिगो समास। निम्नलिखित में से किन 2 सप्तम रूप लिखे, तो आग का जो दोस्तों मेरा अग्नि और नखत का जो दोस्तों मेरा नक्षत्र, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो दिन कबिल, क्वेश्चन दिया हुआ हमारा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो मैंने बता दूँ तुम, पहले मैं बताऊँगा कमल का, फिर गणेश का, यानी 2 इसका बताऊँगा, ठीक है। आप इससे 3 और नदी का आप कमेंट करके बताना है। कमल का हो जाए दोस्तों हमारा हो जाएगा पंकज, जलज, सरोज। गणेश का हो जाएगा दोस्तों हमारा लंबोदर और गजानन। निम्नलिखित में किन्हीं 2 उसमें संधि कीजिए और संधि का नाम, तो प्रतिधन 1 तो प्रत्येक, सुधन आगतम स्वागतम, अतिधन अंत अत्यंत, यद्य धन अपयद्यप प्रत्येक, ठीक है। तो ये हमारी अर्ध संधि हो जाएगा, सुधन आगतम ये भी अर्ध संधि हो जाएगा। फिर इसका तृतीय व्यक्ति और एकवचन लिखना पड़ेगा, फल अथवा मधु, नदी अथवा मति, इसे आप इससे दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आपका कल्याण नहीं है, ठीक है। आपका ही नहीं, किसी का नहीं है, अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपका नंबर इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 2 नंबर का आता है हमेशा। आप फल का मधु का आप याद कर लीजिए, आप अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है। फिर अगला करते हैं, अगला है हमारा निम्नलिखित में से किसी एक का धातु लकार और पुरुष तथा वचन लिखिए, इसे भी आप करना याद करना पड़ेगा। हसत पठता हसत, निम्नलिखित में से किन 2 संस्कृत में बात कीजिए, वह घर गई, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, या आराम की किताब में विद्यालय जाऊँगा, मार्ग के 2 और भवन थे, मुझे घर जाना है। निम्नलिखित का इसी में से किसी एक विषय निबंध लिखना है, जो आपको कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 6 नंबर। कंप्यूटर विशिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रहित सरिस धर्म नहीं भाई, आपको इसमें से एक निबंध लिखना पड़ेगा। फिर आ जाइए आपका खंडकाव्य, ये आपके जितने भी खंडकाव्य हैं
ये आपके टीचर बताएंगे आपको कौन सा खंड काफ करना है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपके टीचर बताएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको 3 नंबर मिलेगा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लास्ट एक था हमारा खंड काफ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक चैनल करने के तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला मॉडल पेपर है हमारा 5वां मॉडल पेपर, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। पूरा जो 4 मॉडल पेपर है, चारों मॉडल पेपर का नीचे और 5वें मॉडल पेपर में है, तो आप उसको लास्ट तक देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।